वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाती हूं फैशन लाइफस्टाइल हॉल रिव्यू और भी बहुत सारी चीजों के बारे में। सो अगर ऐसी वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मिंत्रा हॉल सुपर शॉर्ट हॉल। अब चार पांच ही सामान है मेरे पास आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाने के लिए, बट सारे ही बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसमें ना सब कुछ कॉलेज और ऑफिस वेयर को ध्यान में रखते हुए मैंने लिया था, जो कि डिसेंट और मॉडेस्ट भी लगे और साथ के साथ ना अफोर्डेबल तो हो ही हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक डिसेंट सा नॉर्मल डेली वेयर काइंड ऑफ और ऑफिस डेली वेयर ऑफिस वेयर कॉलेज वेयर काइंड ऑफ सूट सेट। साइड में आप इमेज देख सकते हो और बाकी मैं अपना ट्राई ऑन भी दिखा दूंगी एंड वैसे आपको कुर्ता भी दिखा देती हूँ। सो ये जो है ये है स्टाइलम करके कोई ब्रांड, मतलब स्टाइलम करके कोई था सेलर उनका। तो ये ना बहुत ही सॉफ्ट एकदम पतला वाला कॉटन होता है ना, जिनको प्योर कॉटन पहनना होता है सॉफ्ट एकदम, ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो ये इस तरीके का सूट है स्काई ब्लू कलर का और बहुत प्यारा सा इसके ऊपर प्रिंट है। तो ये मुझे ना थोड़ा सा डाउट है कि ये प्रिंट पहनने के बाद में धुल जाएगा, हट जाएगा या क्या होगा। तो जो भी होगा ना इसका मैं डेफिनेटली आपको शॉर्ट्स में उसका रिव्यू दूंगी कि ये कैसा रहा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको इसका रिव्यू मिल जाए। वैसे ये सुपर अफोर्डेबल था। मैं प्राइस यहाँ कहीं पे मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी इसका, ज्यादा महंगा नहीं था बट ये। और ये पूरा सूट का सेट है। तो ये इस तरीके का कुर्ता है बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ से मटेरियल में और ये नेक पे जो इसका डिजाइन है ये इसकी प्लाजो में सेम कलर है, सेम पैटर्न है, तो वहां से ये लिया गया है नेक का डिजाइन। बट जैसे इन्होंने इसका नेक इस तरीके से दिया है ना फ्रेंच कॉलर काइंड ऑफ, ये उतना स्टर्डी नहीं है, ये ना ऐसे लटक सा जाता है थोड़ा सा। आई शेयर द पिक्चर्स ट्राई ऑन के और मगर पहनने में ये सुपर कम्फर्टेबल है। और मैंने लिया था इसमें साइज स्मॉल जो कि मुझे ठीक फिट आ रहा है। इसकी जो नीचे पैंट है वो कुछ इस तरीके के चेक वाले पैटर्न में है और ये कंफर्टेबल है। अगेन मटेरियल दोनों का सेम है और जो इसके साथ दुपट्टा है वो कुछ इस तरीके के प्रिंट में है, ये भी अगेन प्रिंटेड है ऊपर से। और कपड़ा इसका बहुत सॉफ्ट मलमल टाइप से जो कॉटन होता है एकदम दुपट्टे का, मुझे लगता है कि ये स्कूटी वगैरह पे जाने के लिए ना एकदम परफेक्ट रहेगा। जो हम लोग को काफी बार ऐसे फेस वेस कवर करना पड़ता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कॉर्नर्स पे इसके इस तरीके का डिजाइन है, यू कैन सी ये चेक वाला प्रिंट दिया हुआ है जो पैंट्स में है और बाकी में पूरे में ऐसे ये फ्लोरल प्रिंट दिया हुआ है जो कि ऊपर के कुर्ते में है। तो ये काफी अच्छी है, कंफर्टेबल है पहनने में। ट्राई ऑन आपको दिख ही रहा है साइड में और मुझे ये ठीक लगा। प्राइस के अकॉर्डिंग ये ठीक ठाक है क्योंकि ये पूरा सेट है, बट अदरवाइज ये इतना अच्छा नहीं है क्वालिटी में। आपको इसको वॉश करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन ऑल्सो ये ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी है, सो अगर आप बहुत ज्यादा धूप वाले एरिया में जा रहे हो सो यू नीड टू वेयर अ स्लिप इन साइड। नेक्स्ट है वो ये ब्लैक कलर का सूट सेट है, ये बहुत ही सुंदर है। आप इसको फॉर्मल में भी पहन सकते हो और पार्टी वेयर काइंड ऑफ लुक के लिए भी पहन सकते हो। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। सो ये है लिबास का एंड इसका जो कुर्ता है वो प्लेन एकदम प्लेन ब्लैक कलर में इसका कुर्ता है इस तरीके से एंड नेक पे इसके ये बटन्स वाला डिजाइन है पूरे में। प्लेन ब्लैक कलर है एकदम बिल्कुल और स्लीव्स में इसके ऐसे हल्का सा इन्होंने गोटा लगाया हुआ है। पूरा का पूरा सूट प्लेन है, इसमें कुछ भी काम नहीं है, कुछ नहीं है, बस इस तरीके से पूरा सूट दिखाई देता है। थोड़ा सा डिजाइन इन्होंने बटन्स के साइड में देने की कोशिश करी है और थोड़ा सा इधर। बाकी जो इसके पैंट्स हैं वो भी एकदम प्लेन है अगेन और बैक में इसके इलास्टिक है और फ्रंट से ये नॉर्मल है बिना इलास्टिक का एंड नीचे इन्होंने इस तरीके से इसमें गोटा लगाया हुआ है गोल्डन कलर का। जो इसका मेन प्रोडक्ट है ना बेस्ट वो है इसका दुपट्टा। यू कैन सी कितना प्रिटी इसका दुपट्टा है, काफी सुंदर दुपट्टा है और अच्छा है, लेंथ में भी ठीक है इसका दुपट्टा लेंथ वाइज भी। और ये कॉर्नर पे इसके इस तरीके से बॉर्डर दिया हुआ है, बीच में इस तरीके से छोटी छोटी बूटियां बनी हुई है और ये बहुत अच्छा लगता है। खुला दुपट्टा करके लो या आप बंद करके भी लोगे, दोनों स्टाइल्स में बहुत अच्छा लगता है। और ये कॉटन में ही है तो कंफर्टेबल भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी। बट इसके साथ इशू है एक, जो भी साइज आप लेना चाहते हो आपको उससे एक साइज बड़ा लेना पड़ेगा। ऑल दो लिबास में मेरे साथ आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, बट इस पर्टिकुलर कुर्ते में ये हुआ है मेरे साथ कि ना इसका जो मैंने लिया आई थिंक मैंने स्मॉल साइज ऑर्डर किया था, मतलब मैंने वो साइज ऑर्डर किया था जिसमें 34 बस्ट साइज था। ऑल दो आई वेयर 32 बट स्टिल 34 वाला भी मुझे टाइट आ रहा था ये बहुत ज्यादा, तो मुझे इसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा या फिर मैं रिटर्न करा के शायद कोई और लूंगी। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जो भी लेना है आप उससे एक साइज बड़ा लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने लिए वो लिए मैंने ये फॉर्मल ट्राउजर्स और ये सुपर कम्फी है। इसकी फिटिंग इतनी ज्यादा अच्छी है आई कांट इवन टेल यू, ये बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है, स्टाइलिश है और कूल है। सिर्फ 600 रुपए का मुझे पड़ा था और मुझे ऑनेस्टली इससे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जितना अच्छा ये आया। ये प्लेन है, इसमें कुछ खास नहीं है, नॉर्मल ऐसे करके थोड़ी सी बूट कट स्टाइल में ये है नीचे से। और मटेरियल आई डोंट नो इसका क्या है, जो स्ट्रेचेबल वाला मटेरियल होता है, काफी स्ट्रेचेबल इसका मटेरियल है। यू कैन सी अच्छा है, कंफर्टेबल है पहनने में और ये एक मस्ट बाय मुझे लगा कि अगर किसी और को भी अच्छे ट्राउजर्स चाहिए अच्छी फिटिंग के लिए तो उसको ये ट्राई करके देखना चाहिए।
ये एडी वेरो करके कोई ब्रांड है, उसका है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक तो सारे मिल ही जाएंगे, सो डोंट वरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली द लीस्ट, सो लास्ट एंड द लीस्ट इज ये वाली शर्ट, जो कि इम्प्रेशंस करके कोई सेलर था, वहां से मैंने ली थी ये चेक शर्ट। एंड यू कैन सी साइड में जो मॉडल है ये उनके ऊपर कैसी लग रही है, और एक्चुअल में ये शर्ट जो है काफी ज्यादा लंबी है उससे जैसी मॉडल पे ये दिखाई दे रही है। तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, एंड मेरी तरफ से तो ये टोटली नो है। अगर आपको बहुत ज्यादा लंबी शर्ट पहनी है जो कि कुर्ते जैसी दिखाई दे तो आप इसे ले सकते हो, अदरवाइज मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसका प्राइस ज्यादा नहीं था, बट अगर आपको सूट लेना है, आपको ऐसा दिखाना है कि आपने कुर्ता पहना है और शर्ट पहनने का आपका मन है, तो ये आप इसको लेना। अदरवाइज मैं इसको डेफिनेटली आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी लेने के लिए। मुझे ये टोटली वेस्ट लगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसका स्टाइल, क्योंकि मॉडल के ऊपर जो दिख रहा था वो काफी शॉर्ट था और एक्चुअल में ये काफी ज्यादा लंबी है। सो इसलिए मैं इसको आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस सुपर शॉर्ट हॉल वीडियो, एंड आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहे। अगर रहे तो नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट टाइम।